गुड मॉर्निंग लर्नर्स, आई एम डॉक्टर कल्पना लखेरा। आज हम एमएईडी 104 एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत मॉडल्स ऑफ टीचिंग का अध्ययन करेंगे। टीचिंग मॉडल इज अ प्रोसेस टू कंफर्म इन बिहेवियर एंड टू डायरेक्ट वंस एक्शन अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर डिजाइन और आइडिया। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण सिद्धांतों के संभावित आदर्श रूप हैं। शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न विधियों प्रविधियों योजनाओं तथा स्वरूपों को प्रयोग में लाया जाता है, जिन्हें शिक्षण के प्रतिमान कहते हैं। शिक्षण के प्रतिमान की मुख्य अवधारणाएं क्या है? व्हाट आर अजम्पशंस ऑफ मॉडल ऑफ टीचिंग? शिक्षण में छात्रों की रुचि का उपयोग करना, शिक्षण सामग्री द्वारा छात्रों में वांछित अनुभव प्रदान करना, समस्याओं के निराकरण का अभ्यास करवाना, दार्शनिक सामाजिक सिद्धांतों का अनुपयोग, शिक्षण के तत्वों की व्यवस्था विभिन्न प्रकार से की जा सकती है, जिसमें विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति संभव है। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण प्रतिमान के तत्व। शिक्षण प्रतिमान का पहला तत्व है उद्देश्य। किसी भी शिक्षण प्रतिमान के केंद्र बिंदु शिक्षण लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं, जिनकी प्राप्ति हेतु उपयुक्त साधनों तथा प्रक्रियाओं से युक्त प्रतिमान विकसित किए जाते हैं। दूसरा तत्व है स्ट्रक्चर अर्थात संरचना। इस तत्व का अर्थ है ऐसा तर्क जो क्रियाओं को नियंत्रित करे। इसमें प्रतिमानों में निहित विभिन्न क्रियाओं की व्याख्या सम्मिलित रहती है। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था। जैसा कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में शिक्षक तथा छात्र का व्यवहार शिक्षण की सफलता के लिए आवश्यक होता है। इसमें क्रियाओं का एक स्पष्ट क्रम होता है तथा कक्षा में एक सामाजिक व्यवस्था के तहत तीन तत्व पाए जाते हैं। पहला है छात्रों के मध्य परस्पर तथा छात्र एवं अध्यापक के मध्य संबंध। दूसरा, इन पारस्परिक संबंधों में अधिकार क्रम। तीसरा, छात्रों के व्यवहार के कुछ मानक, जिनके अनुसार कुछ छात्र व्यवहार पुरस्कृत किए जाते हैं। अगला तत्व है सहायक प्रणाली सपोर्ट सिस्टम। इसमें वह समस्त सुविधाएं तथा व्यवस्थाएं आती हैं जो शिक्षण प्रतिमान को निश्चित प्रकार का कक्षा कक्ष परिवेश निर्मित करने में सहायता देती है। पांचवा तत्व है इवैल्यूएशन मूल्यांकन प्रणाली। इसमें मौखिक तथा लिखित परीक्षाओं द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि शिक्षण उद्देश्य प्राप्त हुए या नहीं। अब हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल। शिक्षण प्रतिमान अधिगम के लिए दिशा निर्देश करते हैं तथा शिक्षण किस प्रकार किया जाना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर खोजने में सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमानों के अंतर्गत सर्वप्रथम हम ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान का अध्ययन करेंगे। शिक्षण प्रतिमान मुख्य रूप से पांच प्रकार के होते हैं, हिस्टोरिकल मॉडल्स, फिलोसॉफिकल मॉडल्स, साइकोलॉजिकल मॉडल्स, टीचिंग मॉडल, मॉडर्न टीचिंग मॉडल। अब हम देखते हैं व्हाट इज हिस्टोरिकल मॉडल ऑफ टीचिंग, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान क्या है। ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान के प्रतिपादक मुख्य रूप से सुकरात माने जाते हैं। सुकरात जैसे महान शिक्षा शास्त्री ने बालक के अंतर्निहित ज्ञान को बाहर लाने हेतु प्रश्नों का सहारा लिया। प्रश्नोत्तर विधि शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतःक्रिया का अवसर प्रदान करती है, परंतु इस विधि द्वारा उच्च स्तरीय कौशलों का विकास नहीं किया जा सकता। दूसरा है द क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल, परंपरागत मानवीय शिक्षण प्रतिमान। यह औपचारिक विद्यालयी शिक्षण व्यवस्था है जिसमें अध्यापक द्वारा शिक्षण सामग्री तथा विधियों की व्यवस्था करके प्रभावशाली निर्देशन प्रणाली का विकास किया जाता है।
तीसरा है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल अर्थात व्यक्तिगत विकास प्रतिमान। इसमें व्यक्तिगत विकास को महत्व दिया जाता है। इसके अनुसार विद्यालय में इस प्रकार का शैक्षिक वातावरण उपस्थित किया जाना चाहिए जिससे प्रत्येक छात्र समाज का एक उत्तरदायी व्यक्ति बनकर अपना विकास कर सके। अब हम देखते हैं फिलोसॉफिकल टीचिंग मॉडल, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान। सन 1964 में इजराइल ने शिक्षण के तीन प्रतिमानों का उल्लेख किया। उनका कहना था कि शिक्षण में ज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक, सार्वभौमिक तत्व निहित होते हैं जो शिक्षण की प्रकृति को स्पष्ट करते हैं। शिक्षण की विशेषताओं के आधार पर उन्होंने द इम्प्रेसिव मॉडल ऑफ टीचिंग, द इनसाइट मॉडल एंड रूल मॉडल ऑफ टीचिंग प्रतिपादित किए। द इम्प्रेसिव मॉडल ऑफ टीचिंग के अनुसार शिक्षण की सफलता हेतु शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक, विषय पर अधिकार, भाषा कौशल एवं विचारों तथा भावों के संप्रेषण में दक्षता आदि गुणों का होना आवश्यक है। दूसरा है इनसाइट मॉडल, सूझ शिक्षण प्रतिमान। इस प्रतिमान के अनुसार छात्रों में बाहर से ज्ञान इंद्रियों द्वारा अनुभूत ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अवसर उपलब्ध होना आवश्यक है। इस प्रतिमान के प्रतिपादक प्लेटो थे। इस प्रतिमान में शिक्षण तथा अधिगम हेतु छात्रों की सोच की क्षमता को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके द्वारा शिक्षण के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है, यह ज्ञानात्मक उद्देश्यों पर अधिक बल देती है। तीसरा है रूल मॉडल ऑफ टीचिंग, नियम शिक्षण प्रतिमान। इस प्रतिमान का मुख्य लक्ष्य छात्रों की क्षमताओं का विकास करना है। इस कार्य हेतु उन्हें विशेष प्रकार के नियमों का पालन करना होता है, जैसे शिक्षण का नियोजन, व्यवस्था, अंतः प्रक्रिया। इस प्रतिमान के द्वारा उपर्युक्त वर्णित दोनों प्रतिमानों की कमी को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। अब हम देखते हैं साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल। इसके अंतर्गत पहला मॉडल है द बेसिक टीचिंग मॉडल, बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। इसका प्रतिपादन विलियम ग्लेसर ने किया। इसे प्राथमिक शिक्षण प्रतिमान, मनोवैज्ञानिक प्रतिमान, कक्षा सभा शिक्षण प्रतिमान, मौलिक शिक्षण प्रतिमान आदि नामों से पुकारा जाता है। व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता है कि वह प्यार करे तथा प्यार पाए। यदि यह आवश्यकता पूर्ण नहीं होती तो वह स्वयं को दुखी एवं कुंठित पाता है तथा समाज से अपने को दूर रखना चाहता है। इसके लिए ग्लेजर ने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक बार कक्षा सभा का आयोजन 30 से 45 मिनट की अवधि तक किया जाना चाहिए। उसमें छात्र एवं शिक्षक को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर ऐसे प्रयास करने चाहिए जिनसे वे सामूहिक निष्कर्ष पर पहुंच सके। अगला है कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल अर्थात कंप्यूटर आधारित शिक्षण प्रतिमान। इसका प्रतिपादन स्टालरो एवं डेविस ने किया। इस प्रतिमान में कंप्यूटर शिक्षक का स्थान ग्रहण कर लेता है और फिर वही निश्चित करता है कि शिक्षण किस प्रकार प्रतिपादित किया जाए। इस प्रतिमान को सबसे जटिल प्रतिमान माना जाता है। इसमें संपूर्ण शिक्षक प्रक्रिया को दो स्तरों में विभाजित किया जाता है, पूर्व शिक्षण काल और शिक्षण काल। इसमें मुख्यतः तीन तत्व निहित होते हैं, विद्यार्थी का पूर्व व्यवहार, अनुदेशन के उद्देश्यों का निर्धारण और शिक्षण पक्ष। अगला है विद्यालयी अधिगम का शिक्षण प्रतिमान, अ टीचिंग मॉडल फॉर
स्कूल लर्निंग। इसका प्रतिपादन 1963 में जॉन कैरोल ने किया। इसमें समय को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इनके अनुसार छात्र किसी निश्चित उद्देश्य को उस सीमा तक प्राप्त करने में सफल होगा जिस सीमा तक वह उस कार्य को करता है। अगला है फ्लेंडर्स इंटरेक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। अंतःक्रिया विश्लेषण विधि का प्रारंभ 1930 में हुआ। फ्लेंडर ने कक्षागत व्यवहारों का विश्लेषण करने में विशेष योगदान दिया। फ्लेंडर ने अंतःक्रियाओं के आधार पर एक शिक्षण प्रतिमान दिया जिसे अंतः प्रक्रिया शिक्षण प्रतिमान कहते हैं। इसको मुख्य रूप से दो भागों में देखा जाता है, टीचर इनिशिएशन एंड स्टूडेंट इनिशिएशन। फ्लेंडर ने कक्षा व्यवहारों को 10 वर्गों में बांटा है जिसमें 7 शिक्षक की बातों से संबंधित, 2 छात्र की बातों से संबंधित, 1 मौन भ्रम या शोर से संबंधित है। शिक्षक की बातों से संबंधित श्रेणी को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। इस प्रतिमान की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें शिक्षण प्रवाह सिद्धांत के अनुरूप होता है। इस शिक्षण प्रतिमान में बाह्य शाब्दिक व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। निश्चित शैक्षिक निष्पत्तियों से शिक्षण व्यवहार संबंधित होता है। शिक्षण की अनुक्रियाओं में एक निश्चित क्रम का अनुसरण किया जाता है और विशिष्ट शिक्षण व्यवहार को व्यूह की रचना से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हम समझते हैं टीचिंग मॉडल ऑफ टीचराइजेशन। इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे तवा का शिक्षण प्रतिमान, तवास मॉडल ऑफ टीचिंग। इस प्रतिमान को आगमन प्रतिमान अर्थात इंडक्टिव मॉडल ऑफ टीचिंग भी कहा जाता है। इस प्रतिमान के प्रवर्तक हिल्डा दावा हैं, जिन्होंने सेंट्रल कोस्टा विद्यालय में किए गए प्रयोगों के आधार पर इसका विकास किया। इसका विकास अध्यापक शिक्षा के लिए किया गया है जिससे छात्र अध्यापक अधिगम की समस्या का विश्लेषण कर उसका निदान तथा उपचार कर सके। अब हम देखेंगे मॉडर्न टीचिंग मॉडल। इसके अंतर्गत सबसे पहले है ग्रुप इंटरेक्शन मॉडल, दूसरा है सोशल इंक्वायरी मॉडल और तीसरा है लेबोरेटरी मॉडल। ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल या इंटरेक्शन मॉडल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें समाजीकरण को बहुत महत्व दिया गया है। इसके अंतर्गत लक्ष्य संरचना, सामाजिक प्रणाली, सहायक व्यवस्था, मूल्यांक को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। दूसरा है सोशल इंक्वायरी मॉडल। सोशल इंक्वायरी मॉडल के प्रतिपादक बेंजामिन फॉक्स थे। इन्होंने चिंतन के द्वारा छात्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया। छात्र सामाजिक ढंग से चर्चा करे, समस्या का समाधान करे, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सत्यता की परख करे, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है लेबोरेटरी मेथड, प्रयोगशाला प्रतिमान।
इस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य पारस्परिक संबंधों को सुदृढ़ करना तथा समायोजन की क्षमता का विकास करना है। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेस मेथड अर्थात सूचना प्रक्रिया शोध या सूचना प्रक्रिया प्रारूप। सूचना प्रक्रिया से संबंधित प्रतिमान व्यक्ति में समस्या समाधान की योग्यता तथा उत्पादक चिंतन के विकास में बल देते हैं। इसके अंतर्गत निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान, आगमन प्रतिमान, प्रच्छा प्रशिक्षण प्रतिमान, प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान तथा विकासात्मक प्रतिमान मुख्य रूप से होते हैं अर्थात कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, इंडक्शन मॉडल, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल एंड डेवलपमेंट मॉडल। अब हम देखते हैं यूज ऑफ टीचिंग मॉडल। टीचिंग मॉडल्स का क्या उपयोग है? शिक्षण के प्रतिमान शिक्षण गतिविधियों के एक उचित नियोजन में सहायक होते हैं जिससे कि हम निर्दिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। शिक्षण प्रतिमान एक ऐसी संकल्पनात्मक रूपरेखा है जिसके आधार पर शिक्षण और सीखने की क्रियाओं को नियोजित किया जा सकता है। इसमें शिक्षण के विभिन्न स्तरों पर निर्णय लेने की सुविधा होती है। शिक्षण प्रतिमान का ज्ञान पाठ्यक्रम निर्माताओं को सीखने संबंधी क्रियाओं को क्रमानुसार रखने, सीखने की उचित सामग्री पहचानने और उसे प्रयोग करने में सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान वांछित शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को वैज्ञानिक नियंत्रित तथा उद्देश्य निर्देशित बनाते हैं। इनसे व्यवहारगत परिवर्तन लाने में सुविधा होती है। शिक्षण प्रतिमानों में शैक्षिक क्रिया के सभी अंग पूरे हो जाते हैं और शिक्षा का समस्त सेट शिक्षण प्रतिमानों का लाभ उठा सकता है। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।